मुझे सोचता कोई और है, मैं खयाल किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं खयाल किसी और। वसीम बरेलवी साहब का ये शेर मुझे बहुत पसंद है। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। नमस्कार, ये ईला जी की मेहरबानी है कि हमारे बीच मशहूर और लेजेंडरी पोएट वसीम बरेलवी साहब हैं, और हमने सोचा कि इनके हमारे बीच मौजूद होना बहुत बड़ा ऑनर है। एंड सर, लाइक अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू यू, आपका ही कलाम मैं सुना रही हूँ। और गाने से पहले ये कहूँगी, कहीं अल्फाज में या कहीं सिंगिंग में कुछ भूल चूक हो तो मैं पहले से आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। जिंदगी तुझे पे, जिंदगी तुझे पे अब इल्जाम, जिंदगी तुझे पे।
खैर मकदम है आपका इस शो में जिसका नाम है मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। उर्दू गजल के फरोग में बहुत बड़ा हाथ मौसिकी का भी है, या यूं कहिए कि क्लासिकल मौसिकी के फरोग में बहुत बड़ा हाथ उर्दू गजल का भी है। ये दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले मगरबी मौसिकी के सामने सीना ताने खड़े हैं। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और खैर मकदम करते हैं हमारे जजेस का। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मुर्शिद और उनकी टीम के लिए। खुशबू, तुम्हें मालूम है आज का एपिसोड हमारा बहुत खास है। अक्षय, हमारा हर एपिसोड बहुत खास होता है। वो तो होता ही है, लेकिन आज कुछ अनोखा करने वाले हैं हम। ऐसा आज तक कभी टेलीविजन पर नहीं देखा गया होगा। अच्छा, ऐसा क्या होने वाला है आज? इला अरुण जी चिलमन के जरिए हमारे शो की रहनुमाई करती आई हैं और आवाम की आवाज बनकर अक्सर शो में दिलचस्प मोड़ लेकर आती रही हैं। आज दबिस्तान के किसी एक शायर की गजल का चमनिस्तान का कोई मौसिकार ख्याल बनाएगा और फिर उसी गजल को उसी ख्याल पर गुलिस्तान का कोई एक गुलकार गाएगा। तुम्हारा मतलब इस तरह तीन लोगों की एक टीम बनेगी जिसमें एक शायर, एक मौसिकार और एक गुलकार होगा। वाह, आज तो तुम हर बात पहली बार में ही समझ गई। मुख्तसर ये कि आज की महफिल में आपको एक से एक कमाल की परफॉर्मेंस सुनने को मिलेंगी। तो देर किस बात की है? इब्राहिम साहब के दबिस्तान से आसिफ जो गजल पेश करेंगे चमनिस्तान के जीशान को, जो उस गजल को ख्याल देंगे, और गुलिस्तान से पूजा जो उस गजल को अपनी आवाज देंगी। वो मेरे ख्वाब को साकार हू बहू करके, वो मेरे ख्वाब को साकार हू बहू करके चला गया है कहाँ मुझको सुर्ख रू करके, चला गया है कहाँ मुझको सुर्ख रू करके। सभी ये जानते हैं शाहकार मेरे हैं, सभी ये सोचते हैं शाहकार मेरे हैं, मैं जानता हूँ मुझे दे रहा है तू करके, मैं जानता हूँ मुझे दे रहा है तू। बताओ कैसे मैं आबे हयात पी लेता, बताओ कैसे मैं
दोस्तों, आज तक टीवी की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज आपको हमारे शो में देखने को मिल रहा है। ज़ोरदार तालियां हो जाएं पहले उस परफॉर्मर के लिए। जी, परफॉर्मर का नाम है चैनल डीडी उर्दू। डीडी उर्दू मुबारकबाद का मुस्तहक है कि उसने इस राह में पहला कदम उठाया। ज़ोरदार तालियां डीडी उर्दू के लिए। चलिए, तो सबसे पहले आज अपने जजेस से पूछेंगे कि उनको ये परफॉर्मेंस आपकी कैसी लगी। सबसे पहले कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम वॉचिंग अ वेरी बहुत प्रोफेशनल एक परफॉर्मेंस मैं सुन रही हूँ, ऐसा लग रहा था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देवकी जी, एक तो इस तरह का लाइव तो परफॉर्मेंस नहीं होता जहाँ शायर भी हो, कंपोज़र भी हो और गायिका या गायक भी हो, क्योंकि हमेशा ये बैक स्टेज चलता है। जैसे पहले किसी ने लिख लिया, फिर कंपोज़ किया, फिर गाया, तो आज हमें इस तरह का लाइव कुछ सुनने मिल रहा है कि सब लोग साथ में कर रहे हैं। ये बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी यूनिक, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वसीम साहब, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उर्दू शायरी की जो रिवायत है उसने कभी इसकी इजाज़त नहीं दी है कि गज़ल गो शायर जो है वो इस तरीके से गज़ल गायक जो हैं उनके साथ बैठे। तो सबसे पहले तो मैं इस इनकलाबी कदम के लिए हिला जी को मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने तो जाहिर बात है इस पर कुछ सवालात उठेंगे ज़रूर, क्योंकि इससे शायरी भी जुड़ी हुई है, शास्त्रीय संगीत भी जुड़ा हुआ है, गज़ल गायकी भी जुड़ी हुई। मैं कुल मिलाकर जो इसके पीछे नियत है, जो इसके पीछे सोच है, जो इसके पीछे कंसेप्ट है, वो बहुत बड़ा है। और वो है कि हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत के जो ये मुख्तलिफ रंग हैं इनको एक प्लेटफॉर्म से पेश किया जाना, और ऐसे माहौल में पेश किया जाना जबकि पाश्चात्य सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने हमारे मौसीकी पर भी इतना हमला किया हुआ है कि हम अपने वजूद से दूर होते चले जा रहे हैं। तो इस कोशिश को मैं समझता हूँ कि बहुत ही सराहनीय कोशिश माना जाना चाहिए। तजर्बा नया है और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो नीयत और सोच है, अगर उसको लोग देखेंगे तो इसको यकीनन लब्बैक कहना चाहिए। इसलिए कि ये बिल्कुल एक मुनफरद अंदाज की चीज़ डीडी उर्दू के तहत जो आपका, मैं ख्याल हूँ किसी और का मुझे सोचता, और फिर इस आपके उनवान ने तो इतनी गुंजाइश दे दी है कि आप जहाँ तक चाहिए सोचते रहिए, मैं ख्याल हूँ तो ख्याल हूँ किसी और का मुझे सोचता कोई और है, लाखों करोड़ों सोचने वाले हैं, मैं ख्याल हूँ किसी और का। मैं मुबारकबाद देता हूँ उस परफॉर्मेंस के लिए। शुक्रिया। एक शायर की सोच को मौसिकार अपने ख्याल में ढालने की कोशिश करता है और गुलुकार उसे एक मुस्तकिल शक्ल देता है, और फिर वो गजल लाफानी बन जाती है। जी हाँ, अब बिला ताखीर हम बुलाते हैं आज के अगले परफॉर्मर्स को। दबिस्तान से माहिर, चमनिस्तान से सौरभ और गुलिस्तान से अर्चिता को मौसिकी, गुलुकारी और शायरी को एक साथ पेश करने की कोशिश की है। मुलाहिजा फरमाइए। जब भी दिल पर अजाब आता है, जब भी दिल पर अजाब आता है, फिक्र में इनकलाब आता है। जब भी दिल पर अजाब आता है, फिक्र में इनकलाब आता है, जाम मत दो नज़र मिलाए रखो, जाम मत दो नज़र मिलाए रखो,
मुझको लुत्फ़ शराब आता है, मुझको लुत्फ़ शराब आता है। मुझको लुत्फ़े शराब आ
दोस्तों, जब आप लोग गा रहे थे, हम लोग सिर्फ आपको सुन नहीं रहे थे, बल्कि आप लोगों को महसूस कर रहे थे, मेरा यकीन जानिए आप। तो चलिए इसी बात पर अपने जजेस के पास चलते हैं और सबसे पहले देवकी जी से पूछना चाहूँगी कि उनकी क्या राय है हमारे इन कंटेस्टेंट के लिए। अच्छी कोशिश थी, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी थी। आई थैंक इला जी फॉर मेकिंग देम एक्सपीरियंस दिस। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी गुड एफर्ट, वेरी गुड। थैंक यू। कविता जी, वेरी वेरी वेल डन। थैंक यू सर। थैंक यू। वसीम साहब, बात शायरी से शुरू हुई, गजल गायकी तक पहुँची, फिर शास्त्रीय संगीत ने सहारा दिया, तो मुझे इस पूरी कोशिश के पीछे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एक आंगन की खुशबू कई आंगनों तक जाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि लाखों लोग इसको जब देखेंगे तो हो सकता है कोई शास्त्रीय संगीत की दिलचस्पी की वजह से उस प्रोग्राम को देख रहा हो, हो सकता है कोई शायरी की वजह से, शायरी से दिलचस्पी की वजह से उस प्रोग्राम को देख रहा हो, कोई गज़ल गायकी की वजह से उस प्रोग्राम को देख रहा हो। लेकिन ये कितना अजीब तजर्बा होगा कि वो एक ही वक्त में शायरी को भी सुनेगा, अपनी मनपसंद शास्त्रीय संगीत को भी सुनेगा, और उसको एक दूसरे को देखने का, समझने का और सुनने का और उसको अप्रिशिएट करने का मौका मिलेगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, मेरी दिली मुबारक। थैंक यू सो मच। आज हमारे परफॉर्मर्स उर्दू गज़ल को टीवी पे एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, वो अंदाज जो आज तक टीवी से अछूता रह गया था। अब वक्त है हमारे अगले परफॉर्मर को दावत देने का। कब्रिस्तान से मिराज, चमनिस्तान से मृदुला और गुलिस्तान से आमिर। वो मेरे जिस्म पे खुशबू तेरे बोसों की तरह, वो मेरे जिस्म पे खुशबू तेरे बोसों की तरह, वो मेरे जिस्म पे खुशबू तेरे बोसों की तरह, रूह के साथ रहा नूर के हलकों की तरह, रूह के साथ रहा नूर के हलकों की तरह, वो मेरे जिस्म पे खुशबू तेरे बोसों की तरह, और लज्जते लम्स की गर हद भी वसी हो जाती, चूम लेता तेरी आवाज़ को होठों की तरह, चूम लेता तेरी आवाज़ को होठों की तरह। वो मेरे जिस्म पे खुशबू तेरे बोसों की तरह, तरह वो मेरे जिस्म पे खुशबू तेरे बोसों की तरह, रूह के साथ रहा नूर के हलकों की तरह, तरह वसी हो जाती, लज़्ज़ते लम्स की गर हद भी वसी हो जाती, चूम लेता तेरी आवाज़ की तरह, चूम लेता तेरी आवाज़ को होठों की तरह, रूह के साथ रहा नूर के हलकों की तरह, वो मेरे जिस्म पे
जानते हैं अपने जजेस से कि उन्हें मिराज, मृदुला और आमिर की परफॉर्मेंस कैसी लगी। आमिर, आपकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी थी और मृदुला ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, अल्फाज को साफ कहा है गाते हुए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है गज़ल में वो सबसे अहम बात है। अब पूछते हैं कविता जी से। आमिर, जैसे देवकी जी ने कहा, बहुत सही कहा कि आपका कॉम्पोजिशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मिराज साहब, बहुत वेरी 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 गुड, जितना मेरे समझ में है, आई थिंक इट वॉज वेरी गुड, आई रियली एंजॉयड इट। हमारे दोनों जजेस ने मृदुला जी से बात की, आमिर मियां से बात की, मैं अपने शायर से बात करता हूँ। आप भी मेरे अपने हैं, लेकिन ये कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनसे बात करूँ। ये बताओ मिराज, के जब तुम्हारे लफ्ज़ गायकी के ज़रिए और शास्त्रीय संगीत की सरपरस्ती के ज़रिए गाए जा रहे थे, पेश किए जा रहे थे, तो मैं कैसा फील हो रहा था, कैसा महसूस कर रहे थे? सर, लगता है कि ये किसी ये और का हम सुन रहे हैं, ये मेरा कलाम ही नहीं है। आज ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी की गज़ल हम खुद सुन रहे हैं बैठे, ये हमने नहीं लिखी। बहुत अच्छे, कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि ये परफॉर्मेंस बड़ी भोली भाली परफॉर्मेंस थी। आपने इतने कम वक्त में इतना अच्छा कंपोजिशन पेश किया, इसके लिए आप सबको बहुत दिली मुबारकबाद। और ये प्रोग्राम जिस तरह से चल रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत मुबारक। आइए, अब वक्त है हमारे अगले फनकार को बुलाने का। दबिस्तान से राशिद, चमनिस्तान से सिद्धार्थ और गुलिस्तान से मेहंदी। कोई सितम भी सहने को तैयार हम नहीं, कोई सितम भी सहने को तैयार हम नहीं, करते हैं तुमसे प्यार गुनहगार हम नहीं। तूने फलक से हमको भला क्यों गिरा दिया, तूने फलक से हमको भला क्यों गिरा दिया, जबकि तेरी जमीन के हकदार हम नहीं, जबकि तेरी जमीन के हकदार हम नहीं। कोई सितम भी सितम भी कोई सितम भी सहने को तैयार हम सहने
को तैयार हम हजरात, ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक आपने इस तरह की कोई परफॉर्मेंस टीवी पर नहीं देखी होगी। चलिए रुख करते हैं सबसे पहले अपने जजेस का और उनसे जानते हैं कि वो इस परफॉर्मेंस से कितना मुतासिर हुए। राशिद साहब, आपका कलाम बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत रोमांटिक एंड वेरी नाइस। और सिद्धार्थ, इतने कम उम्र में इतना अच्छा, इतना मुश्किल कॉम्पोजिशन तुमने बना लिया, इसका मतलब तुम बहुत गहरा सोचते हो। वेरी नाइस। और मेहदी साहब, बहुत अच्छा निभाया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू, वेरी नाइस। देवकी जी, वाह, बहुत खूब, सब तीनों ने मिलके इतना अच्छा, अच्छी कोशिश की है। मैं कहूँगी ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है, इसमें आप देखिए महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, कहाँ कहाँ के फूलों को एक लड़ी में पिरोया गया है, यानी पूरी हिंदुस्तानियत जो है वो यहाँ पर जागती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। खुसरो महल से रियाज करके जो भी बाहर आया उसमें नाकाबिल यकीन बदलाव देखने को मिले, और ये सब मुमकिन हुआ हमारे शो के मेंटोर्स की वजह से। एक बार जोरदार तालियां हमारे शो के मेंटोर्स के लिए। आइए बुलाते हैं हमारे आज के अगले परफॉर्मर्स को। दबिस्तान से चित्रांश, चमनिस्तान से स्वरलिपि और गुलिस्तान से शशांक। इसमें जो मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ वो ये है कि बेकार मुझको प्यार निभाने का शौक था, रुसवाइयों को साथ लगाने का शौक था। बेकार मुझको प्यार निभाने का शौक था।
अपना घर जला तू, जब अपना घर जला तू पता दर्द का चला, जब अपना घर जला तो पता दर्द का चला, गैरों के घर में आग लगाने का शौक था, गैरों के घर में आग लगाने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे पहले कविता जी की राय। चित्रांश जी बहुत अच्छा, सरल, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, बहुत मज़ा आया और मीटर बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। बाकी तो वसीम साहब एक्सपर्ट हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और शशांक, योर कॉम्पोजिशन वॉज वेरी नाइस, बहुत सूदिंग, मीठा, जिस तरह से गज़ल का अंदाज जो है। और स्वरलिपि मुबारक हो, आपने ये गज़ल के मतलब रास्ते में अपना पैर रख लिया आज। कीप इट अप, बहुत एंजॉय किया मैंने रियली। देवकी जी, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है। लास्ट टाइम जो आपने ड्यूएट गाया था पिछली बार, उससे आज बहुत अच्छा रैपो एक दूसरे के साथ मुझे लग रहा है। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस तीनों को, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। मुझे जहाँ तक याद है, शायद पहला ही एपिसोड जो था, हज़रत अमीर खुसरो के नाम किया गया था, उनको डेडिकेट किया गया था। मैं समझता हूँ कि शायद उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इससे बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता। इन दोनों की सबसे बड़ी कामयाबी ये है, इन तीनों की, बग़ैर खुसरो महल गए हुए इनके फ़न पर इतना बड़ा निखार आया है कि मैं समझता हूँ कि एक से एक बेहतर परफॉर्मेंस इनकी होती चली जा रही है। इतना ठहराव, इतना मीठापन, इतना दिल को खींचने वाला अंदाज़, ये गज़ल गायकी का कमाल होता है। और फिर आपके अशार भी बहुत अच्छे हैं इसके साथ। थैंक यू। तो शायरी, गायकी और शास्त्रीय संगीत का सहारा, इन सब चीज़ों ने मिलकर इसको बिल्कुल गैर मामूली बना दिया। बहुत ही मतलब तबीयत खुश हुई। आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। थैंक यू सर। अब बस एक मसला है। क्या बताओ? तुम। मैं मसला हूँ? हाँ भाई, क्योंकि तुम तो एंकर बन गई हो और गुलिस्तान की राधा बेचारी अकेली रह गई है। और एक बड़ी अजीब सी ख्वाहिश है मेरी, और वो ख्वाहिश पूरी करेंगी राधा। वो कौन सी ख्वाहिश है मैं आपको नहीं बताऊंगी, राधा आपको बताएंगी। नमस्कार, मैंने आदरणीय इब्राहिम अश्क जी की गज़ल को कंपोज करने की कोशिश की है और मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। तालियों के साथ खैर मकदम कीजिए गुलिस्तान की राधा कुलकर्णी का, जो आज इब्राहिम साहब की गजल गाएंगी और इस गजल को ख्याल देंगे जीशान खान। हाद से कुछ
ईशान और राधा के लिए सबसे पहले देख कीजिए। वाह वाह राधा, ये सब साइलेंट वर्कर हो तुम शायद, कुछ कहना दिखाना नहीं चाहती हो, एकदम से फट से निकाल के सामने रखती हो। इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, और ऐसे ही आप खुद अपनी कॉम्पोजिशन गाते रहना प्लीज, और बहुत बढ़िया गाया आपने। थैंक यू वेरी मच मैम। राधा तुमने इतना जस्टिस किया ना उनके लिखे हुए अल्फाज पे, बहुत सुंदर काम। इट वॉज अ कंपोजिशन ऑफ अ वेरी वेरी मैच्योर्ड आर्टिस्ट। यहाँ सब लोगों की जोड़ियाँ बनाई गई थी, एक शायर, एक क्लासिकल सिंगर और एक गज़ल सिंगर। मैं रह गई थी लास्ट में, मेरी किसी के साथ जोड़ी नहीं बन पाई, तो इला मैम ने मेरी हेल्प की और इब्राहिम सर ने मेरी हेल्प की, उन्होंने अपना कलाम दिया और मुझे कहा कि आप कंपोज करो और ये गाओ, तो उनके लिए तुम्हारे लिए मतलब लकी हो गया तुम्हारा अकेला रहना। बड़ी बात जो है वो किसी प्रोग्राम की कामयाबी की ये होती है कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट जो है वो एक यूनिट का हिस्सा बने हुए दिखाई दे। कि अब जैसे इनके बारे में बात आई कि साहब इनकी जोड़ी नहीं मिल रही थी, अरे बेजोड़ की कहाँ जोड़ी मिलती है, आपने इतना बेजोड़ गाया है मतलब, तो इतना कहना चाहिए लाजवाब गाया, तो आपकी जोड़ी मिलना। और फिर आप तो बड़ी खुशकिस्मत हैं, सबके साथ तो नौमर शायर थे, आपको जनाब अली इतने तजर्बेकार मिले और इतना तजर्बेकारी का और इतना मानी खेस कलाम आपको पढ़ने के लिए मिला, तो ये सब किसी और तरफ से इंतजाम होते हैं। आपके लिए ये इंतज़ाम किया गया था कि आप ऐसा कलाम जो है वो पेश करें, तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपके लिए एक बड़ी बात है। अब वक्त है हमारे अगले परफॉर्मर को दावत देने का। कल जब पता लगा कि यहाँ पर जोड़ियाँ बना करके होना है प्रस्तुत, और दो की जोड़ी को तीन में बना दिया गया था, ये अजीब स्थिति थी और मैं अकेला रह गया था। सभी के पास तीन तीन लोग थे आपस में इकट्ठे थे, तो ऐसे में मेरा भोपाली साथी आगे आया और उसने कहा कि चलिए मैं आपकी जो भी लिखा है आपने उस पर कुछ प्रयास करूँगा। मैं मोटा हूँ और ठीक नहीं हूँ, हाई ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, थायराइड है, जिससे मोहब्बत करता हूँ वो ठुकरा देता है, धोखा बचपन में मिल गया था, जवानी भटकते गुजार रहा हूँ, मेरी ही गलतियाँ हैं, मैं खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, मुल्क की तरह हो गया हूँ, भविष्य पता नहीं है और अतीत में खोया रहता हूँ, रोता हूँ तो लोग कहते हैं आंसू झूठे हैं, हंसता हूँ तो लोगों को व्यंग लगता है, बात करता हूँ तो लोग कहते हैं बातें बनाता है, चुप रहता हूँ तो लोगों को लगता है मैं घमंडी हूँ,
मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग कहते हैं ये क्यों आया, जहाँ नहीं जाता हूँ लोग कहते हैं वो आया नहीं। मैं रुकता हूँ तो लोग कहते हैं आगे बढ़ो, मैं चलता हूँ तो लोग कहते हैं थोड़ा रुका करो, वाह 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 क्या बात है। मैं सोचता हूँ तो लोगों को दिक्कत होती है, मैं ना सोचूं तो लोग कहते हैं मूर्ख है, वाह। मैं सहता हूँ तो लोगों को भोंदू लगता हूँ, मैं विरोध करता हूँ तो लोग कहते हैं इसकी ये हिम्मत, मैं जैसा हूँ लोगों को अच्छा नहीं लगता, मैं जैसा नहीं हूँ लोगों को वैसा भी मैं अच्छा नहीं लगता। मैं हूँ तो मेरा होना मेरे ना होने के जैसा है, क्या बात है, मेरा ना होना मेरे ना होने पर कैसा होगा, वाह। मुझे मालूम नहीं लोगों को मालूम होगा, वाह 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 वाह। शुक्रिया दोस्तों, हमारी ये महफिल जो पहले ही बहुत दिलचस्प थी उसे मानस की ऊंचाई पर ले गए हैं, ये आपने तालियों के गड़गड़ाहट से देख लिया है। मेरा ख्याल है मैं सीधा रुख करता हूँ अपने जज साहिबान का और उनसे ही पूछता हूँ कि उन्हें क्या कहना है मानस और उनके जोड़ीदार के बारे में। पहले मैं सिद्धार्थ को कहूँगी कि तो आप अच्छे कंपोजर हो और ऐसा लग रहा है कि पूरा बैकग्राउंड स्कोर भी आप माहिर उसमें, तो पूरा बैकग्राउंड स्कोर कर दिया आपने। और मानस जी, आप बहुत हटके लिखते हैं और आपका सोच हटके और क्या कहते हैं कि रियलिटी के साथ सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों कंबाइन करना बहुत आसान काम नहीं है, इतनी अच्छी तरह आप करते हैं। और मैं बस यही कहूँगी कि आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया मैम। सिद्धार्थ का वो एक फ्रेज मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो शर्ज से नीचे के खर्च के कौन से सुर पर पहुँची मैं अभी तक पता नहीं। मानस जी, मैं क्या कहूँ आपके बारे में, कभी कभी जब हम मैं तो पढ़ती हूँ थोड़ा सा, मतलब किताबें शायरी या कविताएं, तो स्पेशली ऑथर्स जो कॉमेडी लिखते हैं उनके लिखान में कहीं कहीं ट्रेजेडी की एक लकीर होती है, कहीं पे कभी भी आप देखिए। तो मुझे ऐसे लगा कि शुरू में मैं हंस रही थी कि आप क्या कह रहे हो, कुछ हास्य कवि हो शायद, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसमें जो डेप्थ है आपके काव्य में वो दिल को छूने वाली है। इस उम्र में ये इस बात को की तरफ इशारा कर रही है कि अगर आपका ये सफ़र इसी तरीके से जारी रहा और आपका मुताला भी बराबर बढ़ता रहा तो आप बहुत कुछ देंगे साहित्य को, अदब को, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो मैं ख्याल हूँ किसी और का मुझे सोचता कोई और है वहाँ से मिलेगा, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि इस पूरे शो के हम भी हिस्सा थे जहाँ से आपको मुस्तकबिल की राह मिली, मुस्तकबिल की राह। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप अपने दिलों को ज़रा काबू में रखिए क्योंकि अभी एक और आवाज़ बाकी है। वो ख्वाब सारे शबाब सारे
जवाब सा